वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अच्छे से समझेंगे, इसको क्लियर करेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? तो बच्चे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है और इसके इंपॉर्टेंस को समझने से पहले, आप जैसे कि अपने सामने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि परचेसिंग पावर ऑफ मनी कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की नीड है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की नीड है, या फिर रियल वेजेस को भी कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की नीड है। तो ये सब जब समझ में आएगा जब आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को समझ पाएंगे और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है। और आपके एग्ज़ाम में चांसेस यही है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपसे पूछेगा। ये थ्योरी का पार्ट होता है, ये पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। बट आपके पास अगर न्यूमेरिकल पार्ट में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आता है, तो आइए सबसे पहले आप जो है ये मेथड्स है वो मैं जब करवाऊंगा तो मेथड्स आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है बेसिकली, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मेथड्स ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक बच्चे होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, दो मेथड्स हैं इसके, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन द प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोल दीजिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोल दीजिए, बात एक ही है। इसको आप बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है बच्चे। इसके दो मेथड है कंस्ट्रक्ट करने के, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दो मेथड से निकाल सकते हो। एग्जाम में वो मेथड मेंशनड हो सकता है, अगर वो मेंशन नहीं है तो फिर आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से निकालिए। तो फर्स्ट मेथड क्या है बच्चे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये मेथड क्या है बच्चे, ये मेथड कुछ भी नहीं है। आपके पास में आपको याद होगा कि आपने लेस पेयर इंडेक्स पढ़ा था, आपने लेस पेयर, लेस पेयर का फॉर्मूला क्या था आपके पास में, P01 आपने लेस पेयर में क्या पढ़ा था, समीशन ऑफ P1 Q0 एंड समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। लेस पेयर में बेसिकली आपने क्या पढ़ा था कि पास्ट ईयर की क्वांटिटी को अगर आज हम बाय करने जाएंगे तो कितना एक्सपेंस होगा, और पास्ट ईयर की क्वांटिटी को पास्ट ईयर में जब हम बाय करते थे तो कितना एक्सपेंस होता है, उसका कितना परसेंट हो गया है, इसको हम लेस पेयर कहते हैं। तो लेस पेयर को ही बच्चे सिंपल मेथड याद रखना कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली कौन सा मेथड है, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड अगर बोले तो इसका मतलब आपका वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है, और इसमें कौन सा मेथड है, इसको वेटेड एग्रीगेटिव मेथड भी कहते हैं। क्लियर है बच्चे? तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, दो नाम है इसके, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और वेटेड एग्रीगेट मेथड। क्लियर है बच्चे? वेटेड एग्रीगेट मेथड, क्योंकि क्वांटिटी मेंशन है तो वेटेड तो है, और एग्रीगेट मेथड है या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों में एग्रीगेट वर्ड सिमिलर है। तो वेटेड एग्रीगेट मेथड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है कि भैया फॉर्मूला देखें जरा क्या है, कि आज करंट प्राइस पर पुरानी क्वांटिटी को बाय करेंगे तो कितना एक्सपेंस हो जाएगा, और पुरानी क्वांटिटी को पहले की प्राइस पर बाय करेंगे तो कितना एक्सपेंस होगा। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड भी होता है, और ये कुछ भी नहीं है, ये आपका लेस पेयर है, जैसे लेस पेयर कर रहा था वैसे ही इसको कर लीजिए आप, बस सिंपल है। क्लियर है बच्चे? हाँ, एंटी लॉग रह गया ना, मैं नेक्स्ट क्लासेस में उसको करवा दूंगा, क्योंकि लॉग टेबल वो भी बना नहीं था, तो चलो नेक्स्ट क्लास में करवा के वीडियो उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर दूंगा, अटैच कर दूंगा उसी वीडियो में। क्लियर है? तो एक मेथड पता लगा आपको, और दूसरा होता है फैमिली बजट मेथड। तो बच्चे फैमिली बजट मेथड ये आपने पढ़ा था, कहें किसे पढ़ा था, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, आपको बताया था मैंने, क्या है याद है, लास्ट क्लास हमने दोनों ही कर चुके हैं, ये कुछ नया नहीं है, बस आज आपको इंट्रोड्यूस करके दो क्वेश्चन करवा देने। तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड आपने पढ़ा था ना, WP अपॉन में समीशन ऑफ W। W क्या होता है, आपको गिवन होगा वेटेज, नहीं गिवन है तो W क्रिएट कैसे करेंगे, P0 इंटू Q0। तो आपको बताया भी है कि W आप क्रिएट कैसे करेंगे, क्लियर है? और इसको जो है WP अपॉन W, और W कैसे क्रिएट होगा आपका, ये W P0 एंड Q0 क्रिएट होगा, एंड P आपके पास में दिस वन। तो ये बेसिकली आपके पास में क्या बन गया, P1 Q0 और आपके पास में P0 एंड Q0 इंटू 100। इट मे बी नोटेड दैट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑब्टेन्ड बाय द बोथ द मेथड्स शैल बी द सेम बिकॉज दिस वन। क्लियर है बच्चे? तो दोनों ही हमारे पास में क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, इसको सॉल्व करने पे यही आएगा। क्लियर है बच्चे? ये समझ में आया, W किससे रिप्रेजेंट होता है,
तो भैया इस केसेस में आप इस बात को, आप ये डेरिवेशन दिया ना फॉर्मूले को, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे पी जीरो क्यू जीरो पी वन इंटू क्यू जीरो, तो आपके पास पे पी वन इंटू क्यू जीरो रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका और इंटू हंड्रेड। तो बच्चे बेसिकली आपके पास में दो मेथड है, एक आपके पास में हो गया फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड में आप इस मेथड को यूज करोगे जो आपने पढ़ा था, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, एक बार आप इसको नोट करें। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको क्वांटिटी आपको गिवन है 1990 में, 1990 का आपको प्राइस, 2004 का प्राइस आपको गिवन है। आपको यहाँ पर क्यू जीरो है, पी जीरो एंड पी वन आपको गिवन है। तो कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2004 विद द 1999 एज अ बेस ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है और फैमिली बजट मेथड भी यूज करना है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड आप कैसे यूज करेंगे इसकी बात करते हैं। लिख लो पहले जो जो आपको यूज करना है, एग्रीगेट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बताया था आपको, लेस पेयर मेथड होता है इसमें, समीशन ऑफ पी वन क्यू जीरो अपॉन समीशन ऑफ पी जीरो एंड क्यू जीरो इंटू हंड्रेड। क्लियर है बच्चे? अब देखो यहां पे आपको रिक्वायरमेंट क्या है, पी वन एंड क्यू जीरो की रिक्वायरमेंट है, कॉलम क्रिएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट है। पहले लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पी वन एंड क्यू जीरो चाहिए आपको, ठीक है जी, एंड उसके बाद पी जीरो एंड क्यू जीरो चाहिए आपको, ठीक है जी, ये दो चीज चाहिए आपको। चलिए देखो आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो पहले क्या चाहिए, पी वन एन क्यू जीरो, तो पी वन एन क्यू जीरो दिस फर्स्ट एंड लास्ट, तो आपके पास पे क्या आ गया, टेन वन थाउजेंड ट्वेल्व हंड्रेड पी वन क्यू जीरो नाइन हंड्रेड 540, 800, क्लियर है बच्चे? जीरो, ठीक है। हाँ जी, तो समीशन ऑफ पी वन एंड क्यू जीरो 1000 प्लस 1200 प्लस 900 प्लस 540 प्लस 800 प्लस 1440, तो आपके पास में आया 5880, ठीक है। और इसी तरीके से आपको क्या कैलकुलेट करना है, पी जीरो एंड क्यू जीरो, पी जीरो एंड क्यू जीरो, तो पी जीरो एंड क्यू जीरो फर्स्ट टू 600, 1000, 840, 480, 720,
1200, ठीक है, सम करते हैं इसका बच्चे, 1200 प्लस 720 प्लस 480 प्लस 840 प्लस 1000 प्लस 600, 4840। तो बस आपके पास में क्या आया, 5880 एंड 4840 इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे, 5880 डिवाइडेड बाय 4840 इंटू 100, तो कितना आया आपके पास में बच्चे, 121.48 ये आया। क्लियर है? अब आपको फैमिली बजट मेथड कैलकुलेट करना है, तो फैमिली बजट मेथड में क्या होगा, समीशन डब्लू पी अपॉन समीशन डब्लू, ये होगा। डब्लू तो है नहीं यहाँ पर आपका, तो डब्लू क्रिएट कैसे करोगे आप, डब्लू किसे कहोगे आप, डब्लू यही आपका क्या होगा, पी जीरो क्यू जीरो एदर डब्लू होगा। बस आपको निकालना क्या है यहाँ पर, क्या निकालना है आपको, आपको यहाँ पर पी कैलकुलेट करना है। पी कैसे आएगा, पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100, ठीक है बच्चे। तो आपके पास में 20 अपॉन 12 इंटू 100, 12 अपॉन 10 इंटू 100, 15 अपॉन 14 इंटू 100, 18 अपॉन 16 इंटू 100, 20 अपॉन 18 इंटू 100 एंड 18 अपॉन 15 इंटू 100, ये रहेगा आपका, ठीक है। तो करिए जरा 20 अपॉन 12 इंटू 100, तो कितना है, 166.66, 12 बाई 10 120, 15 बाई 14 इंटू 100 107.14, 18 बाई 16 इंटू 100 112.5, 20 बाई 18 इंटू 100 111.11, 18 बाय 15 इंटू 100 120 एंड समीशन ऑफ, ये आपके पास में ये आया। अब सॉल्व करेंगे, अब आपको क्या करना है, डब्ल्यू पी को मल्टीप्लाई करना है। ये तो क्या कॉलम बना आपका, पी का कॉलम बन गया। डब्ल्यू पी को अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पी आपके पास में है दिस वन, ये, और डब्ल्यू आपके पास में है ये, इसको मल्टीप्लाई करना है इसको। तो क्या है हमारे पास में, 166.66 इंटू दिस वन 600, तो ये मेरे पास में आएगा 99996, ठीक है बच्चे। सो मैं आपको ये, एंड अगेन आप जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं दिस टू, 1000 इंटू 120, 120 एंड 1000, ठीक है, 107.14 इंटू 840, 8997.6। आगे देखें आप, 112.5 मल्टीप्लाई बाय 480, 54000, ठीक है, 0.11 और इंटू 720, इंटू 720, तो क्या है आपका, 79999.2 एंड 120 मल्टीप्लाई बाय 1200, तो यहाँ पर आपका बच्चे रिजल्ट आया
144000। तो ये क्या था आपका, ये आपका पी डब्ल्यू था, तो समीशन ऑफ पी डब्ल्यू दिस वन प्लस 7 4 times 9.2 प्लस 5 4 000 प्लस 8 3 times 9 7.6 प्लस 1 2 00 प्लस 4 times 9 6 क्या है 4 6 9 1 9 2.8। तो अब आपके पास पे कैलकुलेट करेंगे तो 4 6 9 1 9 2.8 एंड समीशन ऑफ W, तो पी ज़ीरो एंड क्यू ज़ीरो क्या है आपके पास में 1200 समीशन W, ये 4840 4840। तो सॉल्व करते हैं 4691 2 46 91 92.8 डिवाइडेड बाय 4840। आंसर में डिफरेंस आ रहा, कुछ मल्टीप्लाई में मिस्टेक करा क्या हमने, जस्ट चेक कर लेते हैं। फाइव एट सेवन नाइन नाइन टू पॉइंट एट हाँ एग्जैक्ट आंसर आ गया बच्चे, ये सब में गलती है, सब कुछ ठीक था, सम करने मिस्टेक हुआ था। क्या है 5 8 7 9 9 2.8। ठीक है बच्चे, तो सॉल्व करेंगे तो 5 8 7 9 9 2.8 सॉल्व करेंगे इसको, डिवाइड क्या आ जाएगा आपका 121.48। अब यहाँ पे देखो आप फैमिली बजट मेथड में देखो और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में देखो क्या डिफरेंस है बताओ, कोई डिफरेंस नहीं है, क्लियर है? हाँ जी अक्षित, क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको? तो अब आपको मैं दोनों मेथड से क्वेश्चन को करवा दिया है, यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं एक बार। अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट लिविंग इंडेक्स यूजिंग द फैमिली बजट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये क्वेश्चन अब आप ट्राई कर लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। करो बच्चे आप देखो, सेम क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में क्या फॉर्मूला दिया था मैंने इसका, समीशन पी डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू, सिंपल। अब P और W दो चीज कैलकुलेट करनी है, W भी आपके पास में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो मैं कुछ कॉलम बना देता हूं, आप कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, W चाहिए, चलिए पहले P है ना तो P निकाल लेंगे, उसके बाद क्या चाहिए हमें, W क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम पी डब्ल्यू। तो W कैसे आएगा, P0 एंड Q0, तो आपको पता है कि P0 एंड Q0 क्या है, दिस वन इज P0, Q0, सॉरी P1 एंड Q0, यहाँ पे क्वांटिटी आपको एक ही दिया हुआ, जनरली Q0 ही होता है, तो निकाल लोगे दिस वन
एन समीशन कर दोगे डब्ल्यू का। इसी तरीके से आप यहाँ पे पी कैलकुलेट कर लोगे, अभी करा था ना, पी वन अपॉन पी इंटू 100 कर लोगे बच्चे, ठीक है। और उसके बाद ये डब्ल्यू और पी आ गए तो फिर आप डब्ल्यू पी कैलकुलेट कर लेंगे, बताइए ज़रा कर लोगे। डब्ल्यू निकाल देता हूँ मैं आपका, पी ज़ीरो एंड क्यू ज़ीरो, तो पी ज़ीरो एंड क्यू ज़ीरो दिस वन 200, ठीक है, 150, 200, 400 एंड 500। तो समीशन एंड W इक्वल्स टू आपके पास में 9, 11, 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11 और 2, 13 और 1, 14, 1450, 1450 दिस वन, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करोगे आप P तो आपके पास में 120%, 3.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, 116.66, ठीक है। उसके बाद आपके पास में 5/4 इंटू 100, 5/4 इंटू 100, 125 एंड 30/20 इंटू 100, 30/20 इंटू 100, 150 एंड 15/10 इंटू 100, 150 एंड 15/10 इंटू 100, 150, ठीक है बच्चे। अब डब्ल्यू पी आप कैलकुलेट करें, डब्ल्यू ये रहा, पी आपके पास में ये रहा, तो आप निकालेंगे 24 और ये 3 0, ठीक है, 166.66, 166.66 इंटू 150, 24999 एंड 125 इंटू 200, 25000 एंड 150, 60 एंड 000, 75 एंड 000। सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 75 एंड 000 प्लस 60 एंड 4 times 0 एंड प्लस 25000 प्लस 24999, 24999 प्लस 24000। तो समीशन ऑफ डब्ल्यू पी इक्वल्स टू 208 एंड 999, सॉल्व करेंगे 208 एंड 999 जीरो ए एंड अपॉन में 1450 डिवाइडेड बाय 1450, तो आपका रिजल्ट आया 144.13। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको ये? क्लियर है? तो क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लेंगे अब। अब सिमिलर क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आप कर लेना। ये देखो, ये जो 10% 20% 50% क्या है, ये W है, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट लिविंग इंडेक्स इन 2001 कंपेयर टू द 2000, नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक सेकेंड देख लेता हूँ। ओ
13.5 इंटू डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, 116 आई। P into W 174.99 समीशन रीचेक कर लेना आप, ठीक है बच्चे, क्लियर है, समीशन चेक कर लेना इसको। अब मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में, आगे कंटिन्यू करेंगे, इंडेक्स नंबर 1 से 2 क्लासेस में मैं वाइंड अप कर दूंगा।